आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फिर हिरासत में लिए गए दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। सेना दिवस पर थल सेना प्रमुख आज परेड की लेंगे सलामी, पहली बार नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखेगी झलक। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की वायु गुणवत्ता, 339 दर्ज की गई AQI। पीएम मोदी आज 150 से ज्यादा स्टार्टअप कारोबारियों के साथ करेंगे बातचीत, इनोवेशन से राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने पर होगा जोर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन, आज चुनाव के लिए आज कर सकती है 100 उम्मीदवारों की घोषणा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर गाजीपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव में सदर सीट से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी का जमकर विरोध हो रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोचन राम निषाद को गाजीपुर सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और घोषित कांग्रेस प्रत्याशी लोचन राम निषाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने लोटन राम का पुतला भी फूका। तो कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोशित नजर आए हैं गाजीपुर के ये लोग। कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी लोटन राम का पुतला भी फूका है, गाजीपुर सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और घोषित कांग्रेस प्रत्याशी लोटन राम निषाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने लोटन राम का पुतला भी फूका। तो कांग्रेस प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप गाजीपुर से, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये मामला गाजीपुर के चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां सदर सीट से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जमकर विवाद रहा। लोटन राम निषाद कहीं से भी न तो कांग्रेस के हैं न कांग्रेसी हैं। इनका इतिहास यही है कि ये 2 साल पहले निषाद आर्मी में थे, फिर सपा में गए, फिर VIP पार्टी में गए और 15 दिन पहले उधरे लखनऊ में ही ज्वाइन कर लिए और वहीं से टिकट ले लिए और वहीं अभी लड़ भी रहे हैं। जबकि यहाँ 15 लोगों ने पार्टी के नियम के अनुसार 11,000 शुल्क जमा किया था और उन लोगों ने जमा किया था जो 30 साल से कांग्रेस में है, लगातार संगठन का काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को अवॉइड करके ये लोग क्षेत्र में काम कर रहे थे, तब तक पता चला कि नहीं, लोटन राम निषाद का टिकट हो गया। देखिए, लोटन राम निषाद जी को जो टिकट मिला है, पहले तो हम लोग जानते नहीं थे, कल शाम से इनका नाम सामने आने लगा है और चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, कौन लोटन राम निषाद, कौन लोटन राम निषाद। और बार बार उसके बाद में उनके पीछे जब लोग जाकर झांक के देखे तो उनका सारा ऐतिहासिक बिल्कुल फ्रॉडगिरी और फर्जी और मतलब हर तरह की गलत चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, जो मैं कह नहीं सकती अपने मुंह से। ऐसे लोगों को टिकट अगर पार्टी दी है तो ये मैं पुरजोर इसका विरोध करती हूँ। मैं जब से बूथ स्तर से हमने राजनीति शुरू किया, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर का भी मैंने राजनीति किया, पर इस तरह का घटिया प्रत्याशी आज तक के इतिहास में कभी रहा नहीं। रायबरेली में कांग्रेस के 2 टिकट फाइनल होते ही संगठन में रार शुरू हो गई है। वहीं इस दौरान सलोन विधानसभा की कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी भी दी है, जिसको लेकर सलोन में पार्टी पदाधिकारियों ने एक बैठक करके प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार किए जाने की मांग रखी है। इतना ही नहीं, पार्टी पदाधिकारियों ने कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर सलोन से प्रत्याशी घोषित किए गए अर्जुन पासी की उम्मीदवारी नहीं बदली तो सलोन विधानसभा के 3 ब्लॉक अध्यक्ष समेत सलोन की पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे देगी। धर्मेंद्र कुमार सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सलोन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आज ये सब लोगों की एक मीटिंग आहूत की गई है संगठन की, क्या है पूरा मामला?
इसका मामला ये भैया, जैसे हमारे संगठन में आज के करीब 10 दिन पहले ऑब्जर्वर लगाए गए थे, हम लोगों ने प्रियंका दीदी से कुछ कहा था, उस विषय में ऑब्जर्वर आए थे मध्य प्रदेश से सौरभ सिंह जी, उन्होंने संगठन का राय जाना, एक एक आदमी से कमरे में अकेले राय जाना है प्रत्याशियों के विषय में, लेकिन उस हिसाब से जो संगठन की राय थी उस हिसाब से हम लोगों को प्रत्याशी नहीं दिया गया, संगठन को इग्नोर किया गया पूरी तरह से, ना पूछा जाता तो कोई बात नहीं थी, पूछ के भी संगठन को अपमानित किया गया। हम लोग 15-16 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, अपने धन से अपने बल से, पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरह जो संगठन को अपमानित किया गया, इससे नाराज होकर हम सब लोग सामूहिक तौर पर प्रियंका गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को अपना इस्तीफा देना चाहते। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े हैं रायबरेली से। ओम, जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम के घोषणा के बाद ये गुस्सा फूट रहा है कार्यकर्ताओं में, क्या कहेंगे इस पे, इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, इन लोगों का ये आरोप है, हालांकि कांग्रेस ने अभी रायबरेली जनपद में सिर्फ 2 टिकट ही घोषित किए हैं, लेकिन 2 टिकट घोषित करने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में घमासान शुरू हो चुका है। इन लोगों का ये आरोप है कि संगठन के लोगों से शीर्ष नेतृत्व ने बगैर कुछ पूछे, बगैर सलाह लिए सीधे उठा के जो है टिकट दे दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं असंतोष है। इन लोगों का ये एक आरोप और भी है कि हम लोग जो है 30-35 सालों से लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी जो नए लोग आते हैं या जो हल्के फुल्के भी थोड़े से बाहुबली कह लिया जाए, बाहुबलियों को भी टिकट देने में परहेज नहीं कर रही है। ये सुरक्षित सीट है सलवन विधानसभा, जहाँ पर ये विवाद सामने आया है कि जो है पार्टी संगठन पूरी तरह से नाराज है। जी, तो ओम, अब दोबारा से मंथन करने के लिए, विचार करने के लिए बात कही गई है, तो क्या अब विचार होगा, क्या नाम बदले जाएंगे? अभी इन लोगों ने जो है वो प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है, अब उसके बाद जो है शीर्ष नेतृत्व तो मामले का संज्ञान लेता है, ये तो फिर उनके बयान के बाद ही मालूम पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। तो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई, जिसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। अलीगढ़ के इगलास गोड़ा ब्लॉक से भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी ने खुलेआम आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए लोगों को कंबल बांटे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने विधायक के खिलाफ सत्ता की हनक दिखाने और पद का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले जो आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो वहीं अलीगढ़ से भी ये खबर सामने आई है जहां पे खुलेआम आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिला। तस्वीरें देख सकते हैं आप, लोगों को कंबल बांटे गए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने विधायक के खिलाफ सत्ता की हनक और दिखाने और पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और कार्यवाही की मांग की है। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, तस्वीरें सामने आई किस तरह से लोग एक साथ बैठे हुए हैं, कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रचार प्रसार करना मना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कंबल वितरण ये गलत है। आचार संहिता कोरोना प्रोटोकॉल दोनों का उल्लंघन है, क्योंकि भीड़ भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जुटाई गई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरह से आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, अब क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा? दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ के जिला विधानसभा इंगलास के गोंडा ब्लॉक का है। यहाँ आप एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि भाजपा के विधायक द्वारा कोविड-19 की नियमों की उल्लंघन किया जा रहा है, चौड़ाई जा रही है। और बात कही जाए अगर आचार संहिता की, तो उसका भी उल्लंघन साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार उल्लंघन देखने को मिल रहा है, तो क्या ये पहला मामला है या और भी मामले सामने आ चुके हैं नितेश? लगातार देखा जाए तो सभी पार्टी द्वारा कोई ना कोई मामला आता जा रहा है सामने, और इसका कार्रवाई भी कर रही है प्रशासन, सख्त है, कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन उल्लंघन के मामले दिन पर दिन देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे। तो ये खबर सामने आई जहां पे सार्वजनिक रूप से कंबल बांटा जा रहा है, लोगों की भीड़ लगाई गई है आचार संहिता और साथ ही महामारी एक्ट के तहत, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खबर हरदोई विकासखंड कोथावा के ग्राम पंचायत बेनीगंज देहात के गांव अलीपुर की है, जहां तीन दिन से किसानों ने आवारा गोवंशों को गांव के बाहर बैरिगेटिंग में बंद करके रखा था। इस दौरान पंचायत टीम और पुलिस प्रशासन की मदद से 200 गोवंशों में से 70 गोवंशों को नजदीकी ग्राम पंचायत की गौशालाओं में भेजा जा रहा था। वहीं स्थानीय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बंद आवारा गोवंशों की हकीकत जानने के बाद शेष गोवंशों को पुलिस की मदद छुड़वा दिया है, जिससे गुस्साए किसानों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई और किसान धरने पर बैठ गए। खबर बदायूं से है, जहां थाना कुंवर गांव पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए जाने को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से करीब 15 लाख रुपए मिले, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मौके से बरामद पैसों को सीज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बदायूं से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनाव से पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है और चेकिंग के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। वहीं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को एक कार से करीब 15 लाख रुपए मिले हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मौके से बरामद पैसों को सीज करके आगे कार्रवाई में जुट गई है। जनपद बदायूं में आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत जो बैरियर लगाए गए हैं, इसके अलावा भी अन्य जो हमारी 18 FST टीमें हैं वो लगातार चेक कर रही हैं। आज सायंग जनपद बदायूं के कुंवर गांव थाना अंतर्गत FST और इंस्पेक्टर कुंवर गांव की टीम ने चेकिंग के दौरान एक वैगनार से दो लोगों के पास से 15.5 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। इसका जब सोर्स उनसे पूछा गया तो वो संतोषजनक उत्तर देने में समर्थ नहीं रहे। इसको FST टीम और स्थानीय पुलिस के माध्यम से ट्रेजरी में इस कैश को जमा कराया गया है तथा विभिन्न विभागों से को सूचना दी गई है, उनसे परीक्षण करा करके इसमें अग्रिम वैधानिक कोतवाली क्षेत्र के मानसनगर माहौली रोड पर पारिवारिक विवाद के चलते ससुरालियों ने विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष मौके से फरार हो गया है। इस घटना के बाद युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ससुराल पक्ष के फरार लोगों की तलाश में जुट गई है। तो विवाहिता की गोली मारकर हत्या करने का मामला मथुरा से सामने आया है, जहां पे हत्या के बाद से ही ससुराल पक्ष फरार नजर आ रहा है और परिजनों का बुरा हाल है। मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा जो है इनके बीच में विवाद चल रहा था। ये दीदी को बहुत परेशान करते थे, कई सालों से इन्हें टॉर्चर करते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है और कहाँ के निवासी थे दोनों जन? इनके लड़की वाले जो पक्ष से थे वो राजन सिंह थे और ये शमशाबाद से थे, आगरा से। इनकी जो बेटी जो की जो शादी हुई थी ये अकबरपुर में हुई थी, अकबरपुर निवासी हैं। और इनके जो जीजा थे, क्या है दामाद का नाम है दिनेश और इनके पिताजी है कृषि विभाग में थे, एक ग्रेड ऑफिसर थे। अब इनके ये दीदी को टॉर्चर किया करते थे, मारा करते थे, बियर की बोतलें मारा करते थे, फिर भी हम इन्हें समझाते थे। और शादी को कितने साल हो गए? शादी को 11 साल के आसपास हो गए। कुछ बच्चे वगैरह? हाँ, दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है जी। और बहुत समझाया सारी चीज़ें। अभी 3 दिन पहले छोड़ के गए थे दीदी को और वो वृंदावन इन्होंने अपना निवास बना रखा है फिलहाल में, तो वृंदावन रह रहे थे। पुराना घर जो है वो मानसनगर में इनका, तो इन्होंने वृंदावन से इनको बुलाया मानसनगर और वहां पे किसी तरीके से मनाने के लिए बुलाया। और वहां पे खबर फरुखाबाद से है, जहां चुनाव से पहले पुलिस ने किम्पल थाने में पुलिस और SOG टीम ने अवैध असलहे और फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर एक देसी बंदूक समेत 25 बने और 10 अदबने तमंचे भी बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर सामने आई, जब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और चुनावों से पहले ही पुलिस ने कम्पल थाने में पुलिस और SOG टीम ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से बंदूक समेत 25 बने और 10 अधबने तमंचे भी बरामद किए हैं।
गुजरपुर में एक प्रेम सिंह है, उनके सरसों के खेत में एक शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बारे में हमारी सर्विलांस सेल और एसओजी टीम और थाना कंपिल की फोर्स इसमें लगी हुई थी जी। और जानकारी के आधार पर वहां दबिश दी गई, जिसमें तीन अभियुक्त प्रेम सिंह ब्रजेश जो कि गुजरपुर के रहने वाले हैं और अवधेश जो कि नगला नाजिर के रहने वाला है, ये मौके से पकड़े गए हैं। और इनके पास से 26 बने हुए 12 बोर की बंदूक, तमंचे व 10 अध बने हुए तमंचे और जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस मिले हैं व शस्त्र बनाने की फैक्ट्री मिली है जिसमें। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए फरुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, पुलिस को कैसे जानकारी मिली इस अवैध असला फैक्ट्री की? जी, ये पुलिस को जो जानकारी मिली, एसओजी टीम भी लगी हुई थी और सर्विलांस सेल भी लगी हुई थी, तो जो मुखबिरों द्वारा सूचना मिलती है कि अवैध असला फैक्ट्री का गाँव के अंदर एक चल रहा है, तो वहां पर एसओजी और थाना पुलिस के द्वारा छापामारी की जाती है, तो बड़ी मात्रा में अवैध बने हुए हथियार, अधबने हथियार और अवैध हथियार बनाने का उपकरण भी प्राप्त किए जाते हैं। और आशंका थी कि इन अवैध हथियारों को चुनाव में माहौल बिगाड़ने के लिए खपाया जा सकता था। जी बिल्कुल, अब पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करने वाली है? जी, इन आरोपियों को सुसंगत धाराओं में चालान करके जेल भेजने कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन पुलिस के द्वारा यह भी कहा गया है, तो ऐसी छापेमारी जिले में जारी रहेगी क्योंकि ये एक महीने के अंदर दूसरी अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम सिंह जुड़े थे। खबर महाराजगंज से है, जहां थाना सोनौल में भारत से नेपाल जाने वाले नागरिकों की चेकिंग के दौरान एक ईरानी नागरिक के पासपोर्ट और वीजा की जांच की गई, जिसकी चेकिंग के दौरान खुलासा हुआ कि युवक के पासपोर्ट पर फर्जी मुंबई एयरपोर्ट की मोहर लगी है। जिसकी पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसके पास ग्रीस देश का फर्जी पासपोर्ट भी है। आज थाना सोनौली क्षेत्र में सोनौली पुलिस एवं इमिग्रेशन विभाग द्वारा एक ईरानी नागरिक को रोका गया एवं तलाशी ली गई, तो उसके पास से दो पासपोर्ट मिले, एक ग्रीस का पासपोर्ट है और एक ईरान का पासपोर्ट है। जो वीज़ा था वो फर्जी था भारत का और वो एक्सपायर भी हो चुका था, उसके अभिलेख जो थे वो फर्जी पाए गए। इस पर उसके विरुद्ध थाना सोनौली में पासपोर्ट अधिनियम और आईपीसी की धाराएं 419-420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एलआईयू और एसआईयू की शाखा उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है एवं वैधानिक। तो नेपाल जाने वाले नागरिक से चेकिंग के दौरान एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां पे चेकिंग के दौरान उसके फर्जी पासपोर्ट का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, उसके पास उसने ये भी कबूल किया है कि उसके पास ग्रीस देश का फर्जी पासपोर्ट भी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।